Okay, so I'd like to thank management and faculty of this institution for being here. And I don't know how many of you have seen this show before? Good, good. Aaj kya discuss karenge? Success. Success ke maayne aap logon ke hisab se kya hai? What do you mean by success when you talk about success? Sir, success, the word success meant different for everyone. According to me, success is giving. Means at one stage you have achieved something in life, then you need to give it back to the society. And even a smile to other person is success. So success is this. Very good. Idhar kuch log bol rahe the. It's a state of mind that you achieve something, a satisfaction that you get after you get your desired goals, achieve your desired goals. Aur lekin success har aadmi ke liye alag alag success hai. Success ke maayne alag hai. Ek koi parivar, ek koi aadmi, couple, jiske ghar pe rehne ko chhat nahi hai, uske liye success. उसको अगर घर मिल जाए छर सर छुपाने के लिए, उसके लिए वो सक्सेस है. किसी परिवार के लिए उसको अपनी बेटी की शादी करा सके अच्छे लड़के से अच्छे परिवार में, उसके लिए वो सक्सेस के मायने हैं. हर एक आदमी के लिए सक्सेस अपने अपने रूप में अपनी जगह है. आप भी यहाँ पे सब अपने घरों से आए हुए हैं, आपको भी मन में होगा कि यार अगर इसमें मैं बढ़िया मार्क से पास हो जाऊँ तो मुझे अच्छी जगह काम मिले, लाइफ में आगे बढ़ूं, आपके लिए वो सक्सेस है. तो हर एक आदमी का अपना अपना सक्सेस के माने अलग अलग मायने हैं अलग अलग जगह पे. लेकिन आज के युग में अगर हम और चर्चा करें इसके ऊपर आगे, बहुत से लोग सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं और करते हैं, क्या वो सही है कि गलत है आपके ख्याल से? सक्सेस मुझे मिलना चाहिए, उसके लिए अगर कोई शॉर्टकट भी करना पड़े मुझे तो भी मैं करने को तैयार हूँ. ऐसा ज़्यादा करके वातावरण मुझे मिला जहाँ भी गया, जहाँ भी जो प्रश्न भी आते हैं आज के दिन जो यूथ के मैच्योर्ड लोगों के सवाल इंटरनेट पे और पे मेल्स मुझे आती हैं, प्रश्न पूछते हैं लोग, उनका केवल एक ही होता है कि हमें तो बताइए कि कामयाब कैसे हों, हम करोड़पति कैसे बने, हम आपके जैसे कैसे बने. वो क्या लगता है आपको, क्या ये अच्छा है क्या समाज के लिए, देश के लिए, या कम से उसको समाज देश को छोड़ भी दें तो उनके लिए क्या अच्छा है क्या जो व्यक्ति ये लोग सब करते हैं? आपको क्या लगता है? और सही जवाब दीजिए दिल से, ये मत सोचिए कि नहीं ये अच्छा, पॉलिटिकली जवाब ठीक नहीं है तो वो मत करिए. सो फॉर मी सक्सेस इज मोर ऑफ गेटिंग द फाइनल हैप्पीनेस आउट ऑफ इट. यू डिफाइन योर गोल एंड यू अटेन इट एंड देन द हैप्पीनेस यू डिराइव आउट ऑफ इट. सो इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग और अ शॉर्टकट टू सक्सेस, योर गिल्ट, योर कॉन्शियंस एट द एंड ऑफ द डे इज नॉट गोना मेक यू गेट दैट हैप्पीनेस. So if you get something which finally if you don't get that happiness and you dying out of guilt, there's no. लेकिन किसी को तो happiness देगा ना वो. So that is like the. मेरा परिवार है, मेरी बीवी कहती है नहीं आप कैसे भी करिए कुछ भी करिए, मुझे तो पैसा कमा के ला के दीजिए, मुझे तो अपने लिए परिवार के लिए गाड़ी चाहिए, मेरे बच्चों के लिए मुझे तो बड़े अच्छे स्कूल में एजुकेशन करने को चाहिए. आप कैसे कमा के लाते हैं ये आपका आउटलुक है, आपका धर्म है पैसा कमाना और परिवार के मुखिया के नाते कैसे भी कमाइए. पैसा कमा के जब वो लाता है पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश, उनकी खुशी के सामने आप अपनी खुशी का कंप्रोमाइज नहीं करेंगे क्या? सो द ट्रूथ इज इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ शॉर्टकट, लाइक ऑब्वियसली शी वुड वॉन्ट यू टू गेट मनी. इफ यू गोइंग फॉर अ शॉर्टकट लाइक डूइंग सम रॉबरी और समथिंग विच इज़ नॉट लीगल, then finally that money which we all have to accept, that money which comes down to a home is never been satisfied by everyone. It's there comes a point where that money is not being utilized very properly and ultimately the happiness does not stay, and that time you would be the one who would be realizing maybe I got the money in the wrong way out and that's the reason my family is finally. ye to filmy baatein ho gayi.
that's how it happens. Sanu Anurutta ne kaha ke acche dhang se kamaya hua paisa parivar mein khushi nahi la sakta, ghar ki khushiyan chheen bhi sakta hai. Aap bhi mujhe likhiyega kya aapka vichar hai, aap is Sanu ke vicharon se sehmat hain ya apne aas paas jo dekhte hain ke log सक्सेस के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं. तो चलिए आगे चलते हैं, यहाँ बात करते हैं और भी लोगों से, वो क्या सोचते हैं इस बारे में. आपका यहाँ पे कोई हाथ उठा था, कोई कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, आई बिलीव सक्सेस इज अ थिंग इन विच यू आर सैटिस्फाइड, इन विच यू आर सैटिस्फाइड फ्रॉम द हार्ट एंड द सोल, एंड द सक्सेस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द हार्ड वर्क. It can't be achieved from a shortcut. You have to go for a hard work. No, shortcut mein jaldi paisa kama sakte hain. Sir, paisa kama sakte hain, but wo satisfaction apne andar nahi milti hai. Hamare family mein humko satisfaction dikhega, but hamare apni andar ki satisfaction nahi hogi wo. Very good. Andar ki, antar atma ki santushti ko aapne kaha success ka naam diya. बड़ी अच्छी बात है. आई होप कि आगे ज़िंदगी में आते वाले समय में जब आप 40-50 साल के हों तभी भी इस विचार पर टिके रहें, वो बड़ी बात होगी. सर, आई वांट टू मेक अ पॉइंट, व्हाई आर वी कंसीडरिंग मॉनेटरी वैल्यू एज सक्सेस? सक्सेस आर हैज़ डिफरेंट डायमेंशंस टू इट. क्या नाम लिया है आपका? आई एम निष्ठा. इधर आइए मिस्टर. दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग आई वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट. और मैं अभी देख रहा था कि कहाँ तक लोग केवल धन की बात, केवल पैसे की बात को सक्सेस कहेंगे. ये आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस क्वेश्चन कि क्यों हम केवल पैसे और मटेरियल गेन को ही केवल सक्सेस मानते हैं, क्यों हम रिलेशनशिप को सक्सेस नहीं मानते, अपने समाज के आसपास में खुशी फैलाने को सक्सेस नहीं मानते. और क्या आपके मन में और क्या आया? So Mahatma Gandhi was very successful. Baba Amte was successful. Like getting a promotion is also a success. Even the promotion is linked to monetary value and it has money related to it. But if you obtain a promotion through a negative means, through illegal means, then after some point, your promotion will be blocked. Your growth will be blocked. So even if you get through a shortcut, at some point of time, you will be blocked by things which you cannot control. नहीं, महात्मा गांधी तो सक्सेसफुल नहीं थे. बाद में तो उन्होंने आखिरी दिनों में आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने अनशन किया. उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो इस बात के लिए तो आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी. सर, वो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम थी. एंड पॉइंट क्या था? एंड पॉइंट वी गॉट द इंडिपेंडेंस. यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मुझे तो जिस समाज में मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूं, मुझे उससे आगे बढ़ना है, समाज में मेरा रुतबा आगे बढ़ना चाहिए, उस रुतबे को बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर रहा हूं, उसको आप सक्सेस मानेंगे अगर वो कामयाब हो कि नहीं मानेंगे? अपना रुतबा समाज में बढ़ाना दोनों तरह से किया जा सकता है, अच्छे कामों से भी किया जा सकता है और गलत तरीके से भी किया जा सकता है. जी सर, जितने भी आपको लेटर्स और रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि हमारी कंट्री में जितनी भी यूथ हैं, दे थिंकिंग ऑफ अ बेटर लाइफ, वो आगे अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाना चाहते हैं और सक्सेसफुल होने का सोचते हैं. ये एक पॉजिटिव पॉइंट है. बट कोई भी रास्ता चुनना शायद वो सही ना हो सक्सेस के लिए. तो मुझे ऐसे लगता है हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी हमारे सामने आए, सर, वी शुड वे देम प्रॉपरली, और हमें देखना चाहिए कि कौन सा रास्ता सही है और गलत है. गलत रास्ता हमें सक्सेस तक ले जा सकता है, बट वो शायद ज़्यादा टाइम लास्ट ना करे. पर ऐसे हालात को क्या कहेंगे आप जब आप कामयाब होना चाहते हैं लेकिन आपके रास्ते में रोड़े अटकाए जाते हैं, आपको साथ नहीं दिया जाता, चाहे समाज के द्वारा, चाहे आपके नियर डियर के द्वारा, किसी के द्वारा भी? सर, आज जो जैसे सवाल पूछे जाते हैं आपको शॉर्टकट के, वो इसी का कारण है कि जो पावर में है, जिनको सक्सेस मिल चुकी है, वो अलाउ नहीं करते हैं दूसरों को सक्सेस पाने के लिए. जैसे स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस, सर, डेवलप करने दिए नहीं जाते बाय द बिग कॉरपोरेट्स. तो सर, तब वहाँ बात आती है गलती की, तब वहाँ लोग रिश्वत देना शुरू करते हैं, तब वहाँ लोग गलत रास्ते अपनाना शुरू करते हैं. क्योंकि सर, जब मैं 10 लाख रुपए खर्चे करके एक MBA करता हूँ
और लोन लेके करता हूँ और मुझे जॉब नहीं मिलती जस्ट बिकॉज किसी मिनिस्टर की रेफरेंस आ जाती है वहाँ पे, तो उस टाइम मेरे में आती है कि मैं भी चलो कुछ गलत कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मेरे घर को वो पैसे वापस देने हैं वरना। तो आप स्वागत का ये कहना है कि वातावरण सिस्टम जो इधर अपने देश में है वो आपको गलत काम करने पर मजबूर करता है, ना कि व्यक्ति अपने मन से मजबूर मन से अपने जी सर कोई गलत काम करने के लिए इच्छा रखता। चलो वेरी गुड, आपने अच्छा कहा, ये सबकी इच्छा है। हाउ अबाउट दिस, आदमी जब बहुत मुसीबतें होती हैं, इस प्रकार की समस्या आती है, उसके बावजूद भी बैठिए, उसके बावजूद भी यदि मनुष्य अपना अपने रास्ते पे ठीक चलते हुए मुसीबतों को सहते हुए भी यदि कामयाब होता है तो उस सक्सेस का कोई मुकाबला नहीं होता। और या यूं कहिए, आई डोंट नो आप लोग पसंद करेंगे कि नहीं, ए सक्सेसफुल पर्सन इज दैट हु लेज ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विद द ब्रिक्स विच हैव बीन थ्रोन एट हिम। That is the height and that's the true success. If we can do that, then this country, not only this country, the whole world would be a very different place to live. Probably, फिर उसके बाद कोई किसी के ऊपर पत्थर ना फेंके। तो चलिए, अब हमने एक तो बात तय कर ली, what is success and how, etc., etc. लेकिन क्या ऐसे चीज़ें हैं जो success के बीच में रोड़ा बन के सामने आती। सर फ्रेंकली स्पीकिंग वी आर द वंस हु कम्स इन आवर सक्सेस, हम खुद या अपनी सक्सेस के आड़े आते हैं। यस सर जी, बहुत अच्छा। लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ प्लानिंग, फियर ऑफ फेलियर एंड इफ द पर्सन इज नॉट ड्रिवन इनफ देन ही कांट बी सक्सेसफुल। ओके दैट्स वेरी गुड जी, एनीबॉडी एल्स जी। अकॉर्डिंग टू मी सक्सेस इज अबाउट एन एटीट्यूड। When a person starts feeling that he is successful, that is the time where his downgrade will start. So he should be hungry to be successful, but he should never believe that he is totally successful. Once he'll start thinking that I am successful, that is the time from where his downgrading will actually start. Very good. इन्होंने कहा कि success को एक फाइनल डेस्टिनेशन ना मान लें, ये जर्नी है जो कंटिन्यू करेगी। अगर आप कहीं उसको फाइनल डेस्टिनेशन मान के रुक गए तो फिर सक्सेस फिर भाग जाएगी। वेरी गुड सर, अकॉर्डिंग टू मी वी आर एक्चुअली मेजरिंग सक्सेस विद मनी विच इज़ रॉन्ग एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ स्टॉपिंग अस फ्रॉम सक्सीडिंग। If we shift our focus from money to actually creating value, क्या सोचना चाहिए? Creating value is also money. किस टर्म में आप money value create करेंगे? Creating value in what we do, जो हम काम कर रहे हैं उससे society को क्या benefit हो रहा है वो अगर हम कर पाए तो success अपने आप आएगी। हमें काबिल बनना है। बहुत अच्छा विचार है, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स जो आपको यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं वो किसी और आशा से कर रहे हों तो सर उनको ये होगा कि बेटी पढ़े लिखेगी, कुछ आगे अपने लिए खुद कमाएगी, अपने परिवार के लिए कमाएगी, अच्छी पढ़ लिख जाएगी तो लड़का भी अच्छा मिलेगा, परिवार भी अच्छा मिलेगा। उनकी आकांक्षाएं कुछ अलग हो सकती हैं आपसे। सर फिर मैं उन्हें विनती करूँगी कि वो मेरी आकांक्षाएँ को समझें। बहुत अच्छे। और जैसे कि सक्सेस के मायने अलग हैं, वैसे सक्सेस में जो परेशानियाँ वो भी अलग अलग हैं। लाइक किसी के लिए रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं जो कि रूरल एरियाज में है। मोस्टली पीपल उनके पास टैलेंट तो है बट उनको जो है कि रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकें, नर्चर कर सकें। और किसी के लिए जो है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम गई है, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे कि जो कि टैलेंट होगा बट चयन नहीं हुआ है किसी भी गेम्स में, तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो अपने आप को शो कर सके, तो उनके लिए वो सक्सेस का प्रॉब्लम है। ये तो देखिए, इस बात को अगर सोचेंगे तो देर आर सैकड़ों चीज़ें हैं। मैंने कुछ लिस्ट किए यहाँ, लेजीनेस है, लैक ऑफ एफर्ट एंड डेडिकेशन है,
आदमी की ईगो अपना अहम बीच में आ जाता है सक्सेस के. सबसे बड़ा है अगर कोई रुकावट डालने वाली चीज़ है तो ईगो, अहम. मैं ये क्यों करूं, मैं ऐसा कैसे करूं. अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, आपके दरवाजे पे दस्तखत दी, पर आप सोए रहे, नहीं देखा आपने, पहचाना नहीं. नॉट एनफ सपोर्ट फ्रॉम द नियर एंड डियर. जैसा आपने कहा कि आपके टैलेंट है लेकिन चुना चैन नहीं होता, अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलती हैं बहुत जगह. ऐसी बहुत सी चिट्ठियाँ मुझे आती हैं, वो कहते हैं कि साहब मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरे गांव में तो, मेरे शहर में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है. लेकिन मैं अपनी जगह छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मेरे माता पिता हैं, मैं उनको छोड़ के जा नहीं सकता. अब क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, क्या करेंगे. व्हाट आई बिलीव इज इफ़ यू हैव द ड्राइव टू अचीव सक्सेस यू विल फाइंड अ वे. एंड एज अ फ्रेंड सेड दैट यू नो वंस यू फील यू आर सक्सेसफुल you stop there and then you can't actually achieve success. But what I believe is you should have tasted success once for it to drive you to be more successful and to lead you further on towards the path of success. Very good, very good. इतना तन्वी, इतना एक संशोधन करना चाहूँगा आपकी बात में कि जब आपको थोड़ी सक्सेस का टेस्ट आया ना, आप अपने आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है. फिर इतना डिटर्मिनेशन वो खुद ब खुद आ जाता है अंदर से कि आप और आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो सक्सेस जो है वो अपने आप धकेलती है आगे. जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि 125 करोड़ लोगों को के मन में अगर विश्वास जगा दिया मैंने तो उतने में देश बहुत आगे चला जाएगा, और वो हो रहा है, दिख रहा है हमको. हाँ बताइए, पीछे कुछ कह. सर मेरा ये पॉइंट है कि सक्सेस और रिकॉग्निशन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. ज़रूरी ना हो कि अगर आप सक्सेसफुल बने आपको रिकॉग्निशन मिले. बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं या फिर इन जनरल भी जिनको सक्सेस और रिकॉग्निशन दोनों साथ ब साथ चाहिए. कल मैं सक्सेसफुल हूँ अपने लाइफ में बट मैं ये फील नहीं करती क्योंकि मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिलता. ज़रूरी नहीं है सक्सेसफुल हो आप और आपको रिकॉग्निशन भी मिले, यही मेरा पॉइंट है. नहीं नहीं नहीं, ये तो बात, ये गलत अपेक्षा है आपकी. यदि कोई व्यक्ति अपना यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर गिविंग योर बेस्ट एट एनीथिंग, किसी भी काम को जब आप करते हैं बड़ा ध्यान से, बड़ा विचार से, अपने सारी ताकत लगा के उस काम को यदि करते हैं और आपको पता है कि मैंने आई हैव गिवन माय बेस्ट शॉट, इवन इफ यू हैव नॉट सक्सीडेड यू आर स्टिल अ सक्सेसफुल पर्सन अकॉर्डिंग टू माय थिंकिंग. और दूसरा एक बड़ी कोलोकियल उदाहरण है नॉर्थ इंडिया का कि भगवान ने और कुदरत ने, जिसको जिस भी नाम से आप जाने, जिसको भी आप समझते हो मानते हो, कुदरत ने कुछ चीज़ें अपने हाथ में रखी. उन्होंने कहा कि हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये छह चीज़ें कुदरत ने अपने हाथ में रखी. तो यश जो है, आप रिकग्निशन का माने यश, आपको मिला के नहीं मिला, वो उसने अपने पास रखी हुई. कई बार आप कुछ गलत काम नहीं भी करते उसकी वजह से भी आपको अपयश मिल जाता, आपकी बुराई हो जाती. तो ये रिकग्निशन आपको अपने आप से मिलना चाहिए. बाहर के लोग रिकग्नाइज करें या नहीं करें उसकी चिंता मत करिए. In regard to what we're talking about right now, and I'd like to cite an example from Mahabharata, where Arjun is on the battlefield and he's about to embark on one of mythology's greatest battles. And Krishna unhe kehte hai ki at this point, galat aur sahi ka faisla mat kijiye, jo aapka karm hai, wahi kijiye. So for me, right and wrong is very relative. Because like the meaning of success, people have said, right and wrong differs from people. Also, I think ki agar hume kuch achieve karna hai, to it is achievement. It is our hard work towards that matters. Success is a label given by society. I can possibly do something and reach great heights in it. Par agar koi aur kahe ki haan, ye successful hai, to that's up to them. So I don't think success is a state or a destination or a... or something we need to reach. I think it's a label given by other people. Yes, that's a very, very different point of view.
किसी ने कहा कि साहब मेरी तकदीर ही काम नहीं करती है साथ में, मैंने बड़ी मेहनत की लेकिन तकदीर साथ नहीं देती, क्या करूं? ऐसी चिट्ठियां आती, बहुत चिट्ठियां आती, बहुत से लोग पूछते हैं तो मैं क्या करूं? तो मेरा एक ही जवाब होता है, भाई अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप पर भरोसा करो, अपना विश्वास मत खो, तकदीर और तदबीर दोनों साथ चलती हैं। मेरे साथ बहुत बार कई लोग बहस करते हैं, नहीं साहब 90% तो तकदीर का काम है, 10% ही केवल मेहनत है। अच्छा भाई क्यों झगड़ा करें, तुम 90% मानते हो 90% मानो, लेकिन ये बात हाउ वुड यू बिलीव कि भैया 90% जो है वो 10% के बिना जीरो है। 10% मेहनत जो कर रहे हो वो अगर नहीं किया आपने तो 90% तकदीर जो है वो जीरो के बराबर है, ये मानते हो? हाँ जी ये तो मानते हैं, तो चलिए ये मान लीजिए तो दोनों चीज़ करेंगे। जी बताइए सर, आई वॉन्ट टू मेक वन पॉइंट, वी वर टॉकिंग अबाउट हर्डल्स इन सक्सेस एंड आपने मेंशन किया था देश का सक्सेस, तो आई थिंक इंडिया एज अ कंट्री नीड्स टू फर्स्ट गेट ओवर द माइंडसेट ऑफ जेंडर बायस। सो एज सून एज जिस दिन वो माइंडसेट हम ओवरकम कर लेंगे सर, आई थिंक एज अ कंट्री वी विल ऑल बी सक्सेसफुल। बहुत अच्छी बात आपने कही, ये कुछ पीछे कार्यक्रमों में मैं कह चुका हूँ, समस्या ये है कि आप विमेन होते हुए आप अपने आप को कमजोर समझती। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, यहाँ पे आप लोग जो कह रहे हैं इसको रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन कलेक्टिवली ये देखने में आता है जगह जगह वो अपने आप को किसी न किसी कहीं ना कहीं कमजोर समझने लग जाती। सो दैट माइंडसेट एग्जिस्टेड बिफोर बट अभी आई थिंक इट्स चेंजिंग बिग टाइम, सो इट्स चेंजिंग, इट इज चेंजिंग, स्टिल नॉट चेंजिंग। मैं आपका ही वकील हूँ, मानिए मेरी बात, क्योंकि मुझे मैं भी सक्सेसफुल हूँ क्योंकि मेरे को अच्छी पत्नी मिली, उसने मेरा साथ दिया, उसने मेरे को आगे बढ़ने का मौका दिया, शी सफर्ड अ लॉट बट शी स्टिल नेवर क्रिप्ड अबाउट इट। इसलिए बल्कि मैं कहता हूँ कि लेडीज़ के पास ज़्यादा सहन शक्ति है, ज़्यादा ताकत है, वो इंसान से ज़्यादा मजबूत है, लेकिन समाज का ढांचा ऐसा बना हुआ है। आज मेरी पत्नी फिर भी मेरे पर निर्भर करती है, क्यों वो क्यों निर्भर करे मेरे पर? ये समस्याएं हैं, समाज उस तरह से नहीं देखता है, ये बात सही कही उन्होंने। हाँ आप बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर व्हाट यू सेड लाइक जब हम मेहनत करते हैं और हमको सक्सेस नहीं मिलती है तो हम अपनी किस्मत को बोलते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, बट द थिंग इज व्हेन वी फेल हम लोग बोलते हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, वी नेवर लुक इनटू आवर वीकनेस द मिस्टेक्स वी व्हाट वी डिड। जब फेलियर हुआ तो किस्मत ख़राब भगवान ने कर दिया, कामयाबी हुई तो बोला देखो मैं कितना होशियार हूँ, है दोनों हाथों से शाबाशी देते हैं। सर हम लोग अपनी गलतियां नहीं देखते, तब तकदीर नहीं दिखती है। सर हम लोग अपनी गलतियां नहीं देखते, हम उन पे पर्दा डालते कि ठीक है जो भी फेलियर था वो मेरी किस्मत की वजह से था, बट इंस्टेड ऑफ हम अपनी किस्मत को दोष दें हम लोग अपनी कमियां अगर निकाल के पूरी तरह से वापस मेहनत कर उनको रेक्टिफाई करके करें तो आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम तो सक्सेस मिल ही जानी है। हमने रिकग्निशन की बात करी, खुद पे विश्वास रखने की बात करी, तो मुझे एक एग्जांपल याद आया, कैलाश सत्यरथी हुज वन द नोबेल पीस प्राइज, मोस्ट ऑफ अस हम उन्हें नहीं जानते थे इससे पहले एंड ही इज़ वर्क फॉर 37 years और इतना कुछ अचीव करा है उन्होंने, तो इट वॉज बिकॉज कि उनको अपने पे विश्वास था कि उन्होंने इतना कुछ अचीव करा और उनको इतने टाइम बाद रिकग्निशन मिला, ही वॉज इन लॉन्गिंग फॉर रिकग्निशन, ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ, सो आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। या वेरी गुड, आपने एग्जाम्पल उदाहरण दिया उनका, उनके उनसे भी हमारे लोगों की बातचीत हुई काफ़ी, हम लोगों ने किया, कैच पॉइंट इज के वो ही वॉज नॉट लॉन्गिंग फॉर द रिकग्निशन, उनको उसकी भूख नहीं थी, उसकी इच्छा नहीं थी। जी सर मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया एक इंडिया उसको हम लोगों ने इतने हिस्सों में बांट दिया है अलग अलग जाति में अलग अलग धर्म से, तो ये सबसे एक मेन प्रॉब्लम है जो कि हमारी सक्सेस की रुकावट के बीच में आती है। एक तरीके से अगर हम धर्म को देखें तो सब लोग क्या इंडिया में क्या है मुस्लिम
मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, ईसाई, सब एक दूसरे से क्या है कि आपस में कहीं ना कहीं उनके बीच में बैर सा बना रहता है. तो एक तो पहली चीज़ यह है कि जो हमारी सक्सेस के बीच में आती है, रोड़ा बनती है. दूसरी चीज़ हम लोगों ने उसको, एक तो पहले हम लोगों ने उसको धर्म में बांटा, उसके बाद उसको जातियों में बांट दिया. तो उसके बाद क्या है कि अगर एक जनरल कैटेगरी का बंदा है वो अच्छा है, पढ़ने लिखने में अच्छा है, सक्सेस है, सक्सेसफुल है सर, आओ क्या है कि और उसके बाद आईआईटी का एक एग्ज़ाम देता है, तो उसमें क्या प्रेफरेंस होती है कि वो एक ओबीसी वाला बंदा उसको वहाँ पर दिया है. तो एजुकेशन और सक्सेस के बीच में अगर हम बात करें तो हमें ये सब चीज़ों में डिवाइड नहीं करना चाहिए और इंडिया को पूरे एक इंडिया लेवल पर देखना चाहिए, शायद ये होना चाहिए. देखिए मैं, मेरा ख्याल से ये प्रश्न यदि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को भी अगर सॉल्व करना पड़े तो शायद वो भी सॉल्व ना कर पाए आज के दिन की स्थिति. लेकिन दूसरा एक प्रश्न मैं आपसे ही पूछता हूँ. आप यहाँ पे बहुत अलग अलग धर्मों के लोग होंगे, क्या आपका आपस में कुछ वैर रहता है? कहाँ है ये? मैं पूरे देश भर में जगह जगह घूमता हूँ, बहुत प्रकार के लोगों से मिलना होता है, कहीं किसी के मन में भी आपस में कोई रत्ती भर वो नहीं है. वो आता केवल जब कलेक्टिवली कुछ बात आती है तो वहाँ पे आदमी कहता है नहीं यार मेरे समाज के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, सुनी सुनाई बातों पे. तो ऐसा कुछ नहीं है, इस बात को हम जितना भूलेंगे उतना अच्छा रहेगा. दूसरा रहा कि साहब कुछ रिजर्वेशन एजुकेशन सेक्टर में, किसी में भी, नौकरियों में भी है, तो शायद किसी ने जब वो किया होगा, आखिरकार पूरी पार्लियामेंट ने उसको, इनको रिजर्वेशन दिया, कुछ ना कुछ सोच के, सब ने सोच के किया होगा, मेजोरिटी ने सोच के किया होगा. कहीं ये भी तो हो सकता है कि हमने कहीं जाने अनजाने में पिछड़ी हुई जातियों को पूरा जो उनको उनका ड्यू था वो नहीं दिया होगा, किसी समय में वो पिछड़े रह गए, उनको आगे लाने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं. सब हम अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरी सक्सेस, माय पेरेंट्स थिंक ऑफ माय सक्सेस, माय ब्रदर थिंक्स ऑफ माय सक्सेस, ही थिंक्स ऑफ हिज सक्सेस. एवरीबडी इज सो ड्रिवन बाय दिस वर्ल्ड कॉल्ड सक्सेस एंड दे आर मेकिंग इट सो सब्जेक्टिव, दे आर मेकिंग इट अबाउट देमसेल्फ. कि इवन थिंग्स लाइक रिजर्वेशन, बिकॉज आई कम फ्रॉम SC कम्युनिटी एंड इफ नॉट फॉर द रिजर्वेशन आई डोंट नो वेदर आई वुड हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस आई हैव फॉर UG एंड फॉर PG. So in a common platform, this is a humble request to anybody who's sitting here and everybody who's sitting here, before talking about such sensitive issues called reservations, please think once, because a lot of them, at least from the place I come, are depending on this thing called reservation. And if you think it's coming in the way of your success, I think you are failing right there. So yeah, that's about it. Thank you. जबकि आपकी बात को हम सहमत हैं, मैंने जवाब भी, आपने मेरा जवाब भी सुना होगा, लेकिन साथ में एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपको कि कुछ सब्जेक्ट सेंसिटिव नहीं हैं. हम सेंसिटिव कहते कहते जो सच्चाई है उसको अगर दबाएंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, उसको निकलने दीजिए, समस्याओं को निकलने दीजिए, जिसकी जो मन में विचार है वो निकलने दीजिए, जो निकलेगा तो ही उसका कम्युनिकेशन होगा. तो ये एक चीज़ है ऐसी कि जब भी दो व्यक्तियों के बीच में प्रॉब्लम्स होती हैं, समस्याएं होती हैं, तो दोनों ही आदमी उस सक्सेस से लूज कर जाते हैं. और लेकिन अगर वो आपस में बात कर लें तो बात समझ में आ जाती है एक दूसरे की, ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी चलती है. डायलॉग कंटिन्यूएशन इज़ अ मस्ट. हमको कोई भी चीज़ छुपा के रखने में, जहाँ हम छुपाते हैं, अपने माँ बाप से आप कुछ चीज़ छुपा के देख लीजिए, दोस्तों से छुपा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा. किसी के दिल को आप दुखी करते हैं, आपको मन में ही बाद में ग्लानी होगी कि यार मैंने किसी का दिल दुखाया, अच्छा नहीं किया. तो जो अंदर की अंतरात्मा है, यदि आप मानते हैं उसको, तो दैट्स द बिगेस्ट लेवलर, दिस इज़ माई बिलीफ. एंड नो मैटर वेयर आई एम बॉर्न विद, आई एम स्टिल अ ह्यूमन बींग. And let's go by that. My point is regarding you've talked about the problem faced for the success. So as we see that, we can give an example. We as an entrepreneur, so we might be going for a job, and we are due for promotion. We don't get a promotion.
So over there you get demotivated. So over there you lose your confidence. So that's actually a very important point that, no, it's a problem for your success. You face a lack of confidence, or even overconfidence sometimes. Well, अगर ये आपका सवाल है तो मैं ये जवाब दूंगा आपको कि कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को शेक मत होने दीजिए. ओवर कॉन्फिडेंस फिर भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस को शेक मत होने दीजिए कभी भी. वो एंटी सक्सेस है. हाँ जी बताइए. मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है आदमी का अपने ऊपर विश्वास ना होना, और आदमी का डर कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. और जैसे हम दुनिया में देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, और इंडिया में फ्लिपकार्ट या जी टी वी का ही एग्जाम्पल लें, तो आज से तकरीबन 25-30 साल पहले ऐसा लोगों ने सोचा नहीं होगा कि घर घर में एक चैनल होगा जो वाइड वेराइटीज ऑफ शो दिखाएगा, या फिर एक बटन के क्लिक पे हम कुछ भी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं. हाँ. तो मुझे लगता है कि आदमी को विश्वास अपने पर बहुत ज़रूरी है सक्सेस पाने के लिए. अब ये बड़ी अच्छी बात कही आपने. आपने कहा कि डर नहीं होना चाहिए, विश्वास नहीं खोना चाहिए. क्यों इंसान खोता है विश्वास, इस पे दो मिनट चर्चा करेंगे. डर इसलिए लगता है क्योंकि समाज हमें डराता है. अच्छा, समाज की वजह से. और विश्वास क्यों खोते हैं. विश्वास क्योंकि हम अपने आप को दबाते हैं समाज की वजह. अच्छा, से. अच्छा नहीं, ये जवाब नहीं है. ठीक सर. डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अपने हमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते. हमारे अपने आप पर विश्वास नहीं करते इसलिए डर लगता है. हाँ. किससे डर लगता है. जैसे कि कोई काम करने जाओ आप, तो पहले ही आपको बोलते हैं कि क्या कर रहा है, ऐसा नहीं कर, वैसा मत कर. लोग आपको डरा देते हैं. जी बताइए, इधर दीजिए. वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, हाई एक्सपेक्टेशंस. व्हेन वी कांट मीट देम और एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, तब आपको विश्वास डगमगा जाता है. जी बताइए. सर मेरे हिसाब से डर तब लगता है जब लाइफ में आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपको किस रास्ते पे जाना है. आपके पास जब सामने तीन रास्ते हैं और आपको ये समझ में नहीं आता है कि Fear of unknown. मेरे हिसाब से डर तब लगता है जब हमें पता होता है कि हमने अपना 100% किसी भी काम में नहीं दिया है, और फिर हमें पता होता है कि शायद आगे जा करके मुझे सक्सेस नहीं मिलने वाली है. तब जो फीलिंग महसूस होती है वो सच में डर होता है. सो रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ कैन क्रिएट ए फियर. जी कैसे आता है. या कल कुछ हुआ होगा उस पे ध्यान जा रहा हो. बोलिए ना. हाँ सही में बोलिए. किस बात पे ध्यान गया आपका. नेक्स्ट जो होने वाला है उसकी चिंता कर रहे हैं. देखिए जहाँ दिमाग बड़ा चंचल है ये, और उस चंचलता में वो दिमाग या तो पीछे की ओर जाता है या आगे की ओर भागता है. जब पीछे की ओर जब जाता है दिमाग, तो आपको क्या फीलिंग्स रहती हैं, क्या ध्यान में आता है. याद करिए, कोई भी घटना याद करिए आपकी लाइफ की पीछे की. रिग्रेट्स आते हैं. डू यू एग्री विद दैट. मोस्टली रिग्रेट आते हैं कि यार आई काश मैं कहीं और बजाय इसके कि एमबीए करने के या मीडिया का करने के, शायद मैं उसमें चली जाती तो अच्छा रहता, या मेरा ये बॉयफ्रेंड इसको नहीं करके मैं दूसरे को रखती तो अच्छा होता. और भी कुछ ना कुछ. पास्ट में जहाँ जाएंगे रिग्रेट्स आएंगे, और फ्यूचर में जब दिमाग जाता है इट क्रिएट्स एंग्जाइटीज. ये क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसे होगा, अगर मुझे फेल्योर मिला तो मैं क्या करूँगा. सो ये सब होता है. ये बार बार मैं कहता हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि भूतकाल व्याकुल करे और भविष्य भरमाए, वर्तमान में जो जिए तो जीना आ जाए. ये एक मूल मंत्र है सक्सेस का. आप कुछ भी काम करें अगर अपना दिमाग उस पर कंसंट्रेट करके करेंगे तो
तो आपको पूरा कुछ समझ में आएगा, आपका एक्शन डायनेमिक होगा, आपका सटीक जो तीर जहाँ लगाना चाहते वहीं जाके टिकेगा। जहाँ दिमाग आपका इधर उधर घुस गया वहाँ पे आपका एक्शन डायनेमिक नहीं होगा, उसके वजह से रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, आपके पास कामयाबी नहीं आएगी। ये एक गुण मंत्र है सक्सेस होने या ना होने का। सक्सेस डज क्रिएट हम्बलनेस, पीपल डू गेट हम्बल, देर आर मैनी मैनी एग्जाम्पल ऑफ दैट हम्बलनेस इन द वर्ल्ड। और एक्चुअल में जो सही एक दूसरी और परिभाषा देता हूँ मैं सक्सेस की, जो आदमी जब अपनी सक्सेस को एंजॉय करता है वो वाकई सक्सेस उसको चूमती है, सक्सेस उसकी होती है। लेकिन बहुत से आदमी ग्रीडी हो जाते हैं, उनको कभी भी उनको जितना मिल गया उससे ज़्यादा मांगने की इच्छा रहती है। अरे ये तो कुछ नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो कभी सक्सेसफुल नहीं अपने आप को महसूस करते। सो इसके साथ ही मैं एक बात कहूँगा आप सबसे, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो, और ख़ासकर आप सबसे भी जो मुझे देख रहे हैं घर में बैठे हुए। लेकिन एक ही बात कहूँगा कि बी हम्बल एंड रिमेंबर दैट सक्सेस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज़ अ जर्नी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।